सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र में तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। कल हुई सुनवाई के समय केंद्र सरकार और बीजेपी के वकील की तरफ से दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट की तारीख तय करने के निर्देश नहीं दे सकती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने कोर्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में नियमों को ताक पर रखकर फडणवीस सरकार बनाई गई है। कोर्ट में सुनवाई के समय दोनों ही तरफ से बहुमत होने का दावा किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। हम विक्रांत के पास चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। विक्रांत, आज सबकी नजरें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अब से 4 से 5 मिनट में फैसला आने की उम्मीद है और जैसे ही बेंच बैठेगी सबसे पहले ये फैसला सुनाएगी, क्योंकि 10:30 बजे का समय कल ही कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया था और कल सारी बहस पूरी हो गई थी। सभी पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 2-3 चीजों को कोर्ट को देखना है कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश सरकार शुरू कर चुकी है, लिहाजा जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल ना करवाया जाए, प्रोटेम स्पीकर के जरिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और जो भी फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया हो उसको पूरी तरीके से वीडियोग्राफी उसकी करवाई जाए। सरकार ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कहना है कि राज्यपाल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और राज्यपाल ने जो भी कदम उठाए थे, जो फडणवीस सर को बुलाया था शपथ के लिए, पूरा नियमों के तहत बुलाया था। अजीत पवार का जो लेटर था समर्थन का, वो सभी चीजें ऑन रिकॉर्ड यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दिखाई गई। तो कल सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे तक के लिए अपना सुरक्षित रख लिया था। बिल्कुल, अब हम चलते हैं अरुण के पास जो मुंबई में होटल ट्राइडेंट में मौजूद हैं, जहां पर अजीत पवार है। अरुण, दो ऐसे मौके आए हैं जब अजीत पवार नहीं पहुंचे हैं, आज भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ उनको होना था, नहीं आए। अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में इस वक्त तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अजीत पवार सुबह 8 बजे से ही इस होटल में हैं और बताया ये जा रहा है कि जो 26/11 मुंबई हमले के दिन जो श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है हर साल, उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल के साथ उनको जाना था। आधिकारिक रूप से ये सूचना थी, लेकिन उन्होंने वो दौरा रद्द करके और उसके बाद ट्राइडेंट होटल सीधे वो आए हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है, दो विक्रांत के पास हम चलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आने वाला है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। विक्रांत, क्या नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, अभी इंतजार यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगले